प्रदेश की योगी सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए उसके आर्थिक सोर्स को नेस्त नाबूद करने के लिए अभियान छेड़ा है। माफिया के खिलाफ एक्शन सबसे ज्यादा प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। योगी सरकार बनने से लेकर अब तक माफिया अतीक अहमद और उसके भाई व गुर्गों की 1,000 करोड़ की अवैध संपत्ति को अब तक जब्त किया जा चुका है, लेकिन अभी भी अतीक अहमद की अवैध संपत्तियां लगातार सामने आ रही हैं। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की एक और बेशकीमती जमीन को खोज निकाला है, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। पुलिस अब अतीक और अशरफ की इस जमीन को गैंगस्टर के तहत खुर करेगी। अतीक ने इस जमीन पर कुछ लोगों को भी बसाया है, जो अब काफी डरे हुए हैं। बतिया रहे हूं, यहां भी सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? कि इस जमीन किसकी है किसकी नहीं, कि अशरफ अतीक बाउंड्री कर आए हैं। अब और उसके आगे हम नहीं बता सकते। कब से आप लोग यहां? 2 साल से। चाह जिससे पूछ लिया हम 2 साल से। किसने आपको यहां? हमारी बहन रहती थी, हमारे आदमी की तबीयत खराब थी, तो हमने पूछ के उससे रह लगे। किसी ने आपको टोका वोका नहीं कभी? नहीं, कोई आए नहीं है। कोई किराया वराया? कुछ नहीं, कोई किराया वराया कुछ नहीं। प्रशासन की टीम यहाँ पर आई थी? आए तो 2 बार थे, एक दिन हम रहे एक दिन नहीं थे। क्या कहा गया प्रशासन की तरफ? जो पहले दिन आए हैं सबके नाम पूछ लिए, लिख लिए हैं, कहे इनकी हम पूछे कि अगर साहब थोड़ा अगर साहब खाली करना हो तो हमको बता देना। तो कहें कि अभी हमारी ड्यूटी है, हम आए हैं, लेकिन अपना हिसाब बनाती रहना। तो हमने कमरा ढूंढ लिया, देख लिया सामने। 1500 वर्ग गज की जमीन 3 सड़क के बीच में पड़ती है, जिससे इसकी कीमत काफी ज्यादा है। मौजूदा समय में इस जमीन की कीमत 50 करोड़ के आसपास है और इस जमीन पर अतीक अहमद ने अपने नौकरों को और रिश्तेदारों को बसा दिया था। राजूपुर इलाके में 20 सड़क की जमीन के दस्तावेज पुलिस ने निकलवाया तो इसमें पता चला कि 2002 में ये जमीन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने अपने नाम कराई थी और 2002 में ही अशरफ ने इसकी चारों तरफ बाउंड्री कराकर खुद कब्जा कर लिया था और उसी के बाद जमीन की देखभाल के लिए अपने नौकरों के रिश्तेदारों को यहां पर बसा दिया था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि 1500 वर्ग गज की ये जमीन सीलिंग में थी और सरकार के अधीन थी। बाद में सीलिंग खत्म करके इस जमीन को अतीक और अशरफ के नाम किया गया। जिस समय अतीक ने ये जमीन अपने नाम कराई थी उस वक्त वो शहर पश्चिम का विधायक भी था, लिहाजा साफ है अपने बाहुबल से लोगों को डरा धमका कर ये बेशकीमती जमीन अतीक ने हथिया ली थी। हम यहाँ 35 साल हो गए भाई। कैसे रहती है? ऐसे पड़ती पारा रहा, हमार मने मार गया रहा, खा कमा था नहीं रहते, दूठो भैंस बांध के रहते रहे। क्या नाम? जाफर में हीरा लाल। किसकी ये किसने बाउंड्री कराया यहाँ पे? बाउंड्री बाद में भाई, आज का 5-7 साल 8 साल जैसे साल भाव हो बाउंड्री भाई। हम सुबेरे अपन नहा खा बना के चले जा रहे हैं गोरुअन में, हमारे सामने कोई नहीं आवा। 8 बजे लेबर आ जाते रहे, 5 बजे जाते रहे, लेबर मिस्त्री देखत रहे, बाकी हमारे सामने कोई नहीं आवा। किसने कराया लेबर मिस्त्री? कुछ लेबर मिस्त्री अब यहाँ के रहे हो, बिहारी रहे सब, वही बनावर रहे, वही चले जा। वरुण कुमार ने इस जमीन का सत्यापन कर लिया है और अब इस जमीन को कुर्क करने के लिए कमिश्नरेट कोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी। कुर्की का आदेश होने के बाद जमीन कुर्क करके इसे गैंगस्टर कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, जहाँ से प्रॉपर्टी पर जब्ती की कार्रवाई हो सकती है।